आइए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। लेकिन एंजल्स का नाम, सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे कि आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है। क्या होने वाला है आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन? यहाँ पे दिखाई दे रहा है चेंजेस, बहुत सारे चेंजेस, पॉजिटिव चेंजेस। पता है यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है? सीढ़ियाँ बन रही हैं। सीढ़ियाँ मतलब धीरे धीरे एक एक सीढ़ी चढ़कर या आपके करीब पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं। वन स्टेप एट अ टाइम, धीरे धीरे करके ये पर्सन। यहाँ पे एक चैनल सॉन्ग है, तुम्हें अपना बनाने का जुनून सिर पे है, सिर पे है, सिर पे है, या दिल में है, जो भी है। जुनून बहुत नज़र आ रहा है, बहुत करीब है ये, आप दोनों रीयूनियन के बहुत करीब हैं। यहाँ पे मुझे वाटर बहुत नज़र आ रहा है, आप पानी पीकर अपने आप को हाइड्रेट रखने की कोशिश कर रहे हैं। आपके जो पर्सन हैं बहुत ज़्यादा यहाँ पे इमोशनल है, बहुत ज़्यादा इमोशनल। और वाटर का मतलब यहाँ पे ये भी है कि आपका जितना भी गुस्सा है ना, उसको ये शांत करने आ रहे हैं। जी हाँ, आपके पर्सन बहुत ही ज़्यादा केयरफुल है। ऐसा मान लो कि ये ना एक स्क्रिप्ट बना रहे एक तरीके से, क्या बोलना है, कैसे बोलना है, किस तरीके से बोलना है, किस कदर बोलना है कि आपको बुरा ना लगे, आप हर्ट ना हो और कहीं ना कहीं आपका दिल लुट के ले जाए। जी हाँ, ये आपको हंसता हुआ देखना चाहते हैं, आपको खुश देखना चाहते हैं। एक चीज़ इनके दिल की इच्छा ये है कि ये आपको अपने साथ लेके आए और हमेशा आपको हंसाते रहें। ये जान गए हैं कि जो इन्होंने गलती की है, अकेला छोड़ के जाना अलग बात है, लेकिन अचानक से बिना किसी वजह के छोड़ देना और एकदम से ऐसा लगना कि वो इंसान कभी था या नहीं, ये चीज़ बहुत गलत की इन्होंने आपके साथ। उसका एहसास अब हुआ है तो ये इंसान अपनी गलती को सुधारने की पूरी कोशिश करने वाले हैं, पूरी कोशिश करने वाले हैं। आपका गुस्सा जायज़ है, पहले ये ना बहुत गुस्सा हो रहे थे, वो सोच रहे थे होने दो गुस्सा, क्योंकि ये आपको ज़्यादा मनाते नहीं थे कभी भी। आप ही थे जो इनको हमेशा मनाने की कोशिश करते थे, आप इनका मूड सही करते थे। लेकिन इस बार मैं देख रही हूँ इनके अंदर इतनी इम्प्रूवमेंट आ गई है, इतनी इम्प्रूवमेंट आ गई है कि ये पर्सन ठान चुके हैं कि अगर आपको नहीं मनाएंगे तो किसको मनाएंगे, क्योंकि इनकी लाइफ में इस समय आप बहुत इम्पॉर्टेंट हो। पहली बार मैं देख रही हूँ इनकी लिस्ट में आप सबसे, मतलब कहते नहीं, प्रायोरिटी लिस्ट में आप सबसे ऊपर हो इस वक्त। तो आपके लिए कुछ भी, जैसे मतलब तुम जो कहो वो, तुम्हारा हुक्म सराखों पर, कुछ वैसी एनर्जी नज़र आ रही है यहाँ पे। आपका गुस्सा शांत करना चाहते हैं और आपसे मिलकर ही बात हो उसी को बेहतर समझते हैं, क्योंकि कॉल या टेक्स्ट पे आपकी बहुत बार जब भी बात हुई है तो बात बिगड़ी है, बनने की वजह लड़ाई और हुई है। आप हमेशा बोला करते थे कि जो भी बात हो वो तुम कॉल करके डायरेक्टली करो, उससे बात साफ़ हो जाती है। ऐसा है कि नहीं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में न्यू रीडिंग आ गई है, उसको देखना ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है आपके लिए, देख लीजिएगा। यहाँ पे नज़र आ रहा है हमें साफ कि आपके पर्सन समझ गए हैं कि आप सही कहा करते थे। पहले उनको लगता था क्या छोटी छोटी बातों के लिए कॉल करना है, अवॉइड करते थे, मैसेज में ही बात करते थे, और मैसेज में बात और ज़्यादा ख़राब होती हुई नज़र आ रही है। देखिए किस तरीके से लड़ाई बढ़ती जाती थी, बढ़ावा देता था मैसेज। बट अब यहाँ पे नज़र आ रहा है कि इस पर्सन को अकल ठिकाने आ गई है, लगता है ये पर्सन सुधर रहे हैं और सामने मिलकर मुलाकात करना चाहते हैं आँखों में आँखें डाल के। इस पर्सन के लिए आसान नहीं है एकदम से आके इतने सालों बाद बात करना, लेकिन ये पर्सन ट्राई करने के लिए रेडी हैं, बिल्कुल यहाँ पे रेडी नज़र आ रहे हैं। आप में से बहुत लोगों का सवाल ये है कि ये पर्सन कब तक आएंगे, और बहुत लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में पूछा था, क्योंकि वैलेंटाइन डे आ रहा है, आपको कहीं ना कहीं उम्मीद जागी है कि क्या ये पर्सन वैलेंटाइन डे में आएंगे, क्या ये जो वैलेंटाइन वीक चलता है पूरा इसी दौरान आपके पर्सन आएंगे। देखिए कम्युनिकेशन तो मुझे यहाँ पे साफ नज़र आ रहा है, लेकिन हमें ये चीज़ जान भी लेंगे अभी पेंडुलम की हेल्प से। जल्दी से लाइक अभी अभी दबा दीजिए, आप जैसे ही लाइक दबाएंगे हम इस सवाल का आंसर पूछ लेंगे अभी अभी। कम्युनिकेशन इम्पेशेंट, अब इनको बिल्कुल भी इंतज़ार नहीं होता,
दो पल का भी इंतज़ार नहीं, बेसब्री यहाँ पे बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है, बेसब्री, बेचैनी, बेखौफ, बेखौफ भी, ये पर्सन अब नहीं डर रहे आपसे, उप्स, इतना ज़्यादा नहीं डर रहे हैं। अच्छा ठीक है, देखने की कोशिश करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं, अपने पर्सन की एनर्जी पे यहाँ पे फोकस कीजिए, जानने की कोशिश करते हैं कि क्या इसी वैलेंटाइन वीक में ये आएंगे। प्लीज़ मेडिटेट करिए, अपने दिमाग को शांत करिए, अपने दिमाग को शांत करिए। हम देखने की कोशिश करेंगे कि क्या आपके पर्सन इसी वैलेंटाइन वीक में आएंगे, क्या आपके पर्सन इसी वैलेंटाइन वीक पे आएंगे, क्या आपके पर्सन इसी वैलेंटाइन वीक में आएंगे। ओ माय गॉड, यस, ओ माय गॉड, इसका आंसर देख लीजिए किस कदर आ गया है, यस 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 यस। और यहाँ पे आ रहा है प्रेजेंट, प्रेजेंट पे ध्यान दीजिए, पास्ट का बिल्कुल नहीं सोचना है। और यस यहाँ पे आ गया है, बिल्कुल ही आपके पास आने वाले हैं बखूबी इसी वैलेंटाइन डे, इसी वैलेंटाइन वीक बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेड है। ओके आइए, थैंक यू सो मच, कार्ड से पूछ लेते हैं क्या होने वाला है, जल्दी से लाइक चिपका दीजिए, लाइक कर दीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में न्यू वीडियो का लिंक आ गया है, द गार्डनर, फॉरगिवनेस, देख लीजिए किस टाइप के कार्ड्स आ रहे हैं, फॉरगिवनेस, बिल्कुल आपसे माफ़ी चाहते हैं, एक चांस चाहते हैं। द डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन, देख लीजिए आपके डिवाइन मैस्कुलिन किस प्रकार परेशान है आपको लेके, किसी भी हाल में ये आपको खोना नहीं चाहते हैं, इनके मन में एक जुनून सा सवार हो गया है आपको पाने का, और वो जुनून जो है दिन प्रति दिन बढ़ता जा रहा है, कम होने का कोई चांस यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, ओके देख लेते हैं, इस रीडिंग को पूरा करते हैं। आप इनको बहुत अट्रैक्टिव लग रहे हो अभी इस वक्त, आप दोनों सो जाओ आप दोनों आराम करो, या आप दोनों ही हो पता है। द हर्मिट वाली एनर्जी यहाँ पे नज़र आ रही है किस प्रकार से, देख लीजिए। ओके एक कार्ड और दीजिए, एंजल्स एक कार्ड और दीजिए, बहुत अकेले पड़ गए हैं आपके बिना। ओके एक कार्ड पॉप करके आ गए एकदम से, बहुत अकेले हो गए हैं, देखिए कप्स इनके गिर गए हैं, उम्मीद छोड़ चुके हैं, लेकिन एक दिल में उम्मीद कायम है कि ये आपके पास आएंगे और आपको जीत लेंगे। द गार्डनर, इस वक्त आपके पर्सन रेडी है आपके पास आके काम करने के लिए उन चीज़ों के ऊपर जो उन्होंने पहले काम नहीं की, जिससे हो सकता था आपका रिश्ता बच जाए, और उस वजह से आपके पर्सन बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बहुत अकेला महसूस कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है ये पर्सन टूट गए हैं दिल से, इनको उठा पाना, इनको दोबारा से ज़िंदा कर पाना बहुत मुश्किल है। आपसे माफ़ी मांग के ये फॉरगिवनेस चाहते हैं, और चाहते हैं कि इज़्ज़त के साथ, रिस्पेक्ट के साथ आपको ये अपनी ज़िंदगी में दोबारा से ले आएँ, और दोबारा से वो वाला तख्त दे दें जो आप डिज़र्व करते हैं, दोबारा से वो पोजिशन दे दें, दोबारा से वो प्यार आपको लौटा दें। आप इस पर्सन के लिए बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव और अबंडेंट पर्सन हो, जिसको वो किसी भी हालत में नहीं छोड़ना चाहते, चाहे कुछ भी हो जाए, आपके पैरों पे गिरेंगे, नाक रगड़ेंगे, लेकिन ये आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। एक चीज़ यहाँ पे देख लो, मैं बता देती हूँ, हर्मिट वाली एनर्जी बात करनी छोड़ दी है सबसे, बहुत अकेले पड़ गए हैं, इनको समझ नहीं आ रहा है इस समय क्या करना चाहिए, अपनी गलतियों पे बहुत ज़्यादा पछतावा है, अपनी हरकतों पे बहुत ज़्यादा रिग्रेट है, झूठ बोला, आपका प्यार जो है ठुकराया, अब इनके पास कोई नहीं है जो इनका साथ दे, अब इनके पास कोई नहीं है जो इनकी बातें समझे, अब इनके पास कोई ऐसा रियल इंसान नहीं है। लेकिन जब ये आपको दूर से देख रहे हैं, तो एक ऐसा इंसान ये देख रहे हैं जो अपने आप में, जो बहुत, जिसकी ग्रोथ हो चुकी है, जो वैसे बहुत ही अबंडेंट है, आप बहुत अट्रैक्टिव हैं इनके लिए, आप इनसे सच्चा प्यार करते हैं। आपको बाहर से जब ये देख रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि ये कोई ट्रॉफी है, ये कोई लॉटरी है जो मेरे हाथ लग जाए, जो मुझे मिल जाए, जो मुझे मिली भी थी। आपके लिए ये पर्सन किसी भी हद तक जाने के लिए इस समय रेडी है, और मानिए कि बेचैनी जिस तरीके से बढ़ गई ना, ऐसा लग रहा है अपनी लाइफ में सब कुछ लुटा के, सब कुछ दांव पे लगा दिया है इन्होंने, लेकिन किसी ना किसी तरह ये आपके पास रेंगते हुए आएंगे। देखिए जैसे कितनी तकलीफ बढ़ गई, लेकिन एक छोटी सी उम्मीद बाकी है, और यही उम्मीद आपको और इनको मिलाएगी। जल्द ही आने वाले हैं, किसी भी तरीके से रुकने नहीं वाले, क्योंकि ये इनकी करंट फीलिंग्स देख लीजिए। द गार्डनर काम करने के लिए रेडी है, आपका भरोसा, ट्रस्ट जीतेंगे, किसी ना किसी तरीके से माफ़ी आपसे चाहेंगे, और दिलो जान लगा देंगे आपको सारा प्यार देने के लिए, सब कुछ देंगे आपको, जो जो इन्होंने आपको पास्ट में नहीं दिया है। हालत बुरी है,
अकेले पड़ गए हैं, पछतावा है, प्यार का प्याला खुद के इधर उधर गिर गए हैं, लोगों ने इनको असल में मज़ा चखा दिया है जिसका इनको बहुत पछतावा है, और अब अकल ठिकाने आई है तो तब आपकी वैल्यू समझ आती है कि मैंने पत्थरों के चक्कर में एक हीरा खो दिया और मुझे अपना हीरा वापस चाहिए, क्योंकि वो है तो मेरी ज़िंदगी है। आप इनकी जान है, आप मान लीजिए इनकी जान आप में बस गई है, बस ये मान लीजिए। ये पर्सन इस बार जब आ रहे हैं तो इतना ट्रांसफॉर्मेशन आप देखेंगे कि आप हैरान हो जाएंगे। क्या ट्रांसफॉर्मेशन आया है इनका, देखते हैं अगली वीडियो में। स्टे ट्यून्ड, जल्दी से जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में न्यू वीडियो का लिंक दे दिया है, देख लीजिए। इनके खातिर ही एक बार लाइक कर दीजिए, क्योंकि ये है जोड़ा, आप दोनों का जोड़ा। जल्दी से लाइक कर दीजिए, कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको रीडिंग कैसी लगी। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू एंड लव यू ऑल।